आलिया ने मिहिर से कहा, जब तुम देविका के साथ हंस हंस कर बातें कर रहे थे तब? मिहिर उसकी बात पर जल्दी से बोला, अरे लेकिन देविका तो तुम्हारी भी दोस्त है और इस बारे में हमारी पहले भी बात हो चुकी है और तुमने उस वक्त नहीं बताया कि तुम्हें इतना बुरा लगा। आलिया ने अपनी बात रखते हुए कहा, मुझे कोई इतना बुरा नहीं लगा, मैं तो बस तुम्हें याद दिला रही हूं क्योंकि तुम मुझे कैसे मना कर सकते हो जो काम तुम खुद कर रहे हो। मिहिर ने अपने मन की बात आलिया को बताई। देखो देविका की बात अलग है, उसे मैं अब जानता हूं और वो तुम्हारी पहले से ही दोस्त है, लेकिन ये लड़का जो अभी तुम्हारे साथ था, मुझे पता नहीं क्यों कुछ ठीक नहीं लगा। आलिया ने उसे समझाते हुए बोला, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, देविका की तरह वो भी मेरा दोस्त है, इनफैक्ट मैं तो उसे और पहले से जानती हूं, लेकिन वो स्टडीज के लिए अब्रॉड चला गया और आज हम बहुत सालों बाद मिले तो बस थोड़ी बहुत बातें। मिहिर ने आखिरकार हार मानते हुए कहा, ठीक है ठीक है, बार बार सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया। उसके बाद थोड़ी देर तक मिहिर और आलिया चुपचाप एक साथ एक तरफ ही चलते रहे और तभी मिहिर को एकदम से याद आया कि वो यहां आलिया को अपनी नई कार दिखाने के लिए आया है। मिहिर ने खुश होकर कहा, अभी तुम्हें कोई और काम नहीं है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। आलिया ने मिहिर की तरफ देखते हुए पूछा, क्या? मिहिर ने आलिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर गेट की तरफ ले जाते हुए कहा, अरे आओ तो, सरप्राइज है। इतना बोलकर मिहिर ने आलिया को अपनी न्यू कार के सामने लाकर खड़ा कर दिया और फिर आलिया उस कार की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा तो ये है सरप्राइज, तुम्हारी नई कार। मिहिर ने कहा, अरे ये कार नहीं, वही पुराना टैंक है और करण ने इसे मॉडिफाई करके मेरे लिए एक एसयूवी कार में बदल दिया है, मुझे तो बहुत पसंद आई, तुम बताओ तुम्हें कैसी लगी। आलिया ने आगे बढ़कर उस कार को छू कर देखते हुए कहा, अच्छा इसका मतलब ये वही कार है जो देविका ने तुम्हें गिफ्ट की है, शायद इसीलिए तुम्हें इतनी पसंद है। मिहिर ने कहा, हाँ हाँ ये वही है, लेकिन अभी इसका लुक पूरी तरह से बदल गया है, और चलो इसमें बैठकर साथ में ही घर चलते हैं। आलिया ने थोड़ा सोचते हुए कहा, ठीक है चलो। इतना बोलकर आलिया मिहिर के साथ उसकी कार में बैठ गई और मिहिर का मूड भी अब थोड़ा ठीक है। कार को अंदर से देखकर नोटिस करते हुए आलिया ने एकदम से कहा, देविका तुम्हें सच में बहुत पसंद करती है मिहिर, इसलिए उसने तुम्हें इंप्रेस करने के लिए ये कार मॉडिफाई करवा कर गिफ्ट में दी है, बिल्कुल वैसी जैसी तुम्हें पसंद आए। मिहिर ने थोड़ी नाराजगी से कहा, आलिया तुम फिर से अब मत शुरू हो जाना, मेरे और देविका के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरी एहसानमंद है और उसने मुझे थैंक यू बोलना था तो उसने ये तरीका अपनाया। ये बात सुनकर आलिया ने अपना सिर हिलाते हुए थोड़ा अजीब तरह से मुस्कुराया और फिर खिड़की के बाहर देखने लगी। इसके बाद आलिया पूरे रास्ते कुछ नहीं बोली, लेकिन मिहिर का मूड खराब हो गया और विला पहुंचते ही मिहिर कार से निकलकर सीधा अपने कमरे में चला गया और उसने अपना गुस्सा दिखाने के लिए कसकर पटकते हुए अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मिहिर के पीछे ही घर के अंदर आती हुई आलिया ने अपने आप से कहा, अब इसे ऐसे अचानक से क्या हो गया। अपने कमरे में जाने के बाद मिहिर उसके बाद दोबारा बाहर नहीं आया। आलिया ने भी उसे कमरे से बाहर बुलाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी और कपड़े चेंज करने के लिए अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद आलिया अपने रूम से बाहर आई इस उम्मीद में कि मिहिर भी अब तक रूम से बाहर आ गया होगा, लेकिन वो अभी भी अपने कमरे में ही है तो आलिया को उसके ऐसे बर्ताव का मतलब समझ नहीं आया और वो चुपचाप अपने लिए डिनर बनाने किचन में चली गई। दूसरी तरफ अपने कमरे के अंदर बंद मिहिर के मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं और वो लगातार टहलते हुए कुछ सोच रहा है। मिहिर ने धीमी आवाज में कहा, ऐसा कब तक चलेगा, ये आलिया खुद देविका से इतना जलती है और मैंने अगर जरा सा इसे मना कर दिया कि उस लड़के से बात मत करो तो मुझे पता नहीं क्या क्या समझाने लगी, ऐसे कब तक चलेगा। नहीं, मैं अब आलिया के सामने ही नहीं जाऊंगा, वो हमेशा मेरा मूड खराब कर देती है, लेकिन रात के खाने का वक्त हो गया है और मुझे भूख भी लगी है, साथ ही आलिया पता नहीं क्या बना रही है किचन में, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और उसके हाथ का खाना तो सच में बहुत टेस्टी होता है। मिहिर के दिल और दिमाग के बीच जंग छिड़ी हुई है, वो आलिया से नाराज होने के लिए उसका सामना नहीं करना चाह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो बाहर जाकर उसके हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट खाना भी खाना चाहता है। आलिया ने रोज की तरह टेबल पर डिनर सेट करने के बाद मिहिर को भी आवाज लगाई, मिहिर डिनर रेडी है, आ जाओ जल्दी। मिहिर ने जैसे ही उसका नाम लेकर बुलाते हुए आलिया की आवाज सुनी वो एकदम से सब भूल गया और कमरे का दरवाजा खोलकर दौड़ते हुए सीढ़ियों तक आ गया और सीढ़ियों पर आकर बोला, हाँ मैं बस अभी आई रहा हूं डिनर करने।
मिहिर को इस तरह इतनी जल्दी उसकी तरफ बढ़ते हुए देख आलिया ने दूसरी तरफ अपना चेहरा करके हल्का सा मुस्कुराया। उन दोनों ने चुपचाप साथ में डिनर किया और एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा। उन दोनों के दिलो दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद उन दोनों के बीच बहुत कुछ चेंज हो गया है और वो दोनों शायद सच में एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, इसलिए एक दूसरे को अब किसी और के साथ नहीं देख पाते। लेकिन आलिया और मिहिर दोनों ही अभी इस बात को मानने को तैयार नहीं है और इसके साथ ही आलिया भी अपने बचपन में मिले उस लड़के को भी भूल गई है। वो अब उसे पसंद नहीं करती, उसके दिल में वो जगह किसी और ने ले ली है, लेकिन ये बात अभी तक वो खुद भी नहीं जानती। खाना खाकर दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। उस रात मिहिर को बहुत देर में नींद आई और उसे सोते हुए अभी बस थोड़ी ही देर हुई तभी उसका मोबाइल फोन रिंग हुआ। मिहिर ने अपना मोबाइल फोन उठाकर देखा तो उसे स्क्रीन पर देविका का नाम दिखाई दिया और देविका का नाम देखते ही मिहिर नींद में बड़बड़ाया, क्या है इस लड़की को भी, अब इतनी रात को पता नहीं क्यों कॉल कर रही है। मिहिर ने बड़बड़ाते हुए बहुत ही लापरवाही से कॉल रिसीव किया और एकदम नींद भरी आवाज में बोला, क्या हुआ देविका, इतनी रात को मुझे क्यों कॉल कर रही हो, कम से कम टाइम तो देख लिया करो कॉल करने से पहले। दूसरी तरफ से देविका की बहुत ही अजीब लड़खड़ाती हुई आवाज आई, मिहिर मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, क्या तुम अभी यहाँ पर आ सकते हो थोड़ी देर के लिए मेरे साथ। देविका की ऐसी आवाज सुनकर मिहिर को लगा कि कुछ तो गलत है, देविका इतनी रात को इस तरह फोन करके मुझे बुला रही है और उसकी आवाज भी नॉर्मल नहीं लग रही। ये सब सोचते हुए मिहिर अपनी जगह पर उठकर बैठ जाता है और उसकी नींद भी अब तक गायब हो चुकी है क्योंकि वो नहीं चाहता देविका के साथ कुछ भी गलत हो। मिहिर ने जल्दी से देविका से पूछा, ठीक है मैं आता हूं, तुम इस वक्त हो कहां पर। देविका ने बड़ी मुश्किल से अटकते हुए बोला, मैं अपनी फ्रेंड दीपिका के बार में हूं। और इसके आगे देविका कुछ भी बोल पाती, दूसरी तरफ से उसकी आवाज आनी बिल्कुल बंद हो गई और मिहिर अब सिर्फ उस बार का हाई म्यूजिक ही कॉल पर सुन पा रहा है। मिहिर ने अपनी तरफ से कहा, हेलो हेलो देविका, आगे बोलो, कहां गई तुम। लेकिन कोई फायदा नहीं, दूसरी तरफ से अभी भी देविका की कोई आवाज नहीं आई तो मिहिर को देविका की फिक्र होने लगी क्योंकि वो देविका को अपनी फ्रेंड मानता है, इसलिए उसे अभी देविका की हेल्प करने के लिए तो जाना ही है। वो जल्दी से उठकर अपने कपड़े पहनने लगा और घर से निकलने से पहले उसने सोचा कि आलिया को भी अपने साथ ले ले क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आलिया भी देविका की फ्रेंड है, वो उसकी हेल्प कर सकती है। इतना सोचते हुए मिहिर अपने रूम से बाहर निकला और आलिया के कमरे की तरफ बढ़ा। फिर उसने टाइम देखा तो रात के लगभग 1 बजने वाले हैं और उसने सोचा आलिया अब तक सो चुकी होगी, उसे सुबह ऑफिस भी जाना होता है, अगर वो उसे जगा देगा तो फिर उसकी नींद पूरी नहीं होगी, इसलिए मिहिर ने आलिया को साथ ले जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। मिहिर कार लेकर दीपिका के बार पहुंच गया। वो उस बार का रास्ता अच्छे से जानता है क्योंकि दीपिका आलिया की बहुत अच्छी दोस्त है और मिहिर कई बार पहले भी उस बार में जा चुका है। कुछ दिनों पहले मिहिर वहां पर अवनी से भी मिला था। मिहिर दीपिका के बार के पार्किंग एरिया में पहुंचा, उसने जल्दी से अपनी कार पार्क की और कार से निकलकर तेजी से बार के अंदर भागा। रात के इस वक्त भी इस बार में बहुत ज्यादा शोर करने वाला म्यूजिक तेज आवाज में बज रहा है और बार के अंदर एकदम धीमी रोशनी है जिसमें मिहिर को कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा। कुछ देर देखने के बाद एक कोने में मिहिर को एकदम नशे में धुत देविका दिखाई दी और वो इतने ज्यादा नशे में है कि लगभग बेहोश होकर वहां साइड में पड़े हुए एक काउच पर गिरी हुई है। उस वक्त देविका शायद वहां पर अकेली है, इसलिए उसके अकेले और नशे में होने का कुछ बदमाश लड़के फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मिहिर ने यह देखा तो उसने अपने मन में सोचा, ये लड़की इतना ज्यादा नशे में क्यों है, इसे अपने आसपास के हालात का कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, और अच्छा हुआ मैं वक्त पर आ गया, अभी अच्छा सबक सिखाता हूं मैं इन लोगों को। बोलते हुए मिहिर देविका की तरफ बढ़ा और तब तक एक लड़के ने झुककर देविका का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच रहा है। तभी मिहिर उसके और देविका के एकदम बीच में आकर खड़ा हो गया और उसने उस लड़के के चेहरे पर एक तेज मुक्का मारा। मिहिर ने वो पंच बहुत ही तेज मारा क्योंकि वो गुस्से में है कि वो लड़का देविका की इस हालत का फायदा उठाना चाह रहा है और मिहिर को इस वजह से गुस्सा आ गया। ऐसे अचानक से अपने चेहरे पर वो तेज पंच पड़ने की वजह से वो लड़का एकदम जमीन पर गिर गया, उसकी नाक से खून निकल आया और वो उठ नहीं पाया।
ये सब देखकर उसके एक साथी ने उसे उठाते हुए सामने खड़े मिहिर की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर हाथ उठाने की? मिहिर एकदम गुस्से में उस लड़के से बोला, अपनी हरकतें देखो और फिर बोलो, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। इतना बोलते हुए मिहिर ने देविका को संभालते हुए साइड में पकड़ा और वहां से निकल कर जाने लगा। तभी उस लड़के ने मिहिर का रास्ता रोकने की कोशिश की तो मिहिर ने गुस्से में उसे एक हाथ से ही जोर से धक्का दिया और वो साइड की दीवार पर जाकर गिर गया। मिहिर को गुस्से में देखकर वो दोनों लड़के जल्दी से वहां से भाग गए और मिहिर देविका को अपने साथ लेकर वहां बार से बाहर की तरफ आ गया। क्या करेगा अब मिहिर, ये जानने के लिए सुनते रहिए रईस ज्यादा सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।